क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? इसका आंसर है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया? मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया गया? इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ से। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने सन 1921-22 में एकी आंदोलन, या इसी को भूमट आंदोलन भी बोलते हैं, इसका प्रारंभ चित्तौड़गढ़ से किया। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा तथा बावजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कुंवर चुंडा को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 मार्च को। और अगर आपसे पूछे राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 1 नवंबर को। क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? इसका आंसर है नसीराबाद से। नसीराबाद से 28 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है कालीबंगा से। दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आता है, और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है काले रंग की चूड़िया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनोतनेणसी किस राजा का मंत्री था? मोनोतनेणसी किस राजा का मंत्री था? तो इसका आंसर है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। और दोस्तों, मोनोतनेणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संप सभा के संस्थापक कौन थे? संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है राणा हमीर देव। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो इसका आंसर है 19। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों में एक था निमराना, जो अभी अलवर में आता है। दूसरा ठिकाना था कुशलगढ़, जो अभी बांसवाड़ा में आता है। और एक ठिकाना था लावा, जो अभी टोंक में आता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है चावंड। दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया,
जिसमें अकबर की तरफ से मानसिंह ने युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो इसका आंसर है उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा? तो इसका आंसर है राणा सांगा के विरुद्ध। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई? प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई? तो इसका आंसर है जयपुर में। जयपुर में 1931 में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, मतीरे की राड़ किनके मध्य हुई थी? मतीरे की राड़ किनके मध्य हुई थी? तो इसका आंसर है नागौर और बीकानेर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है विराट नगर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ? इसका आंसर है राजसमंद के कुंभलगढ़ के दुर्ग में। राजसमंद के कुंभलगढ़ के दुर्ग में। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजसमंद के कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? इसका आंसर है भीलवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? तो इसका आंसर है महाराणा अमर सिंह के काल में। महाराणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में अपने पुत्र कर्ण सिंह और मेवाड़ के सिसोदिया सामंतों के कहने पर मुगलों के साथ संधि की।